5 फिट 6 इंच उसकी हाइट, बाथरूम के नल की हाइट, टूटी की हाइट 2 फीट, और वो शख्स आत्महत्या कर लेता है। है ना गजब की थ्योरी? ये वो थ्योरी है जो किसी के गले नहीं उतर रही। अब ये दो तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं, एक वो तस्वीर जो आप देख रहे होंगे कि ये ट्यूटी है, बाथरूम की नल की बात मैं कर रहा हूं। इस नल की हाइट को जरा ध्यान से देखिए, और दूसरी तरफ वो शख्स जिसकी मौत हो चुकी है और उसकी हाइट है 5 फुट 6 इंच। है ना गजब की थ्योरी कि 2 फीट नल का जिसकी हाइट है वो जैकेट के नाड़े से रस्सी बांधकर आत्महत्या कर लेता है। यूपी पुलिस की इस गजब की थ्योरी पर पुलिस नहीं बल्कि एक बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट के इर्द गिर्द कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे स्क्रिप्ट को हमेशा की तरह पलटने की कोशिश की जा रही है, इस थ्योरी को पलटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज उस सच के ऊपर से पर्दा उठाने की हम कोशिश करेंगे उन पहलुओं के साथ जो सवाल अभी गुम है। यह मसला सिर्फ और सिर्फ एक अल्ताफ का नहीं है, ऐसे ना जाने कितने अल्ताफ हैं जो गोरखपुर के मनीष गुप्ता के रूप में दिखाई देते हैं, जो वाल्मीकि के रूप में दिखाई देते हैं आगरा के, ऐसे ना जाने कितने अल्ताफ रोज पुलिस की कस्टडी में मर रहे हैं। अब इस थ्योरी को जिसने गढ़ा, अब उस शख्स को भी समझिए। वो शख्स कोई आम शख्स नहीं है। जब कोई शख्स आईपीएस बनता है तब उसे ऐसी परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है जो सबसे अलग होता है। अब इस आईपीएस का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एसपी रोहन प्रमोद हैं। कौन रोहन प्रमोद? एसपी रोहन प्रमोद, जिन्होंने ये थ्योरी दी कि एक शख्स 2 फीट नलके पर अंदर बाथरूम में जाता है, पुलिस कस्टडी में जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। यह खबर आपने भी देखी होगी, सुनी होगी और आप भी हैरान हुए होंगे। लेकिन उस शख्स के बारे में जानिए कि आखिरकार एक आईपीएस इस तरह की थ्योरी पर कैसे यकीन करता है, और क्या वाकई में 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर देना यह न्याय संगत है? पहले प्रमोद, जो रोहन प्रमोद है एसपी, जिन्होंने ये बात कही, जिन्होंने थ्योरी गढ़ी, जिन्होंने जनता को बताया कि इस वजह से अल्ताफ की मौत हो गई, वो है कौन? दरअसल एसपी रोहन जो है वो 2016 बैच के अधिकारी हैं। ये वो अधिकारी हैं जो अमेरिका के अंदर जो है सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए, अमेरिका से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए। ये वो अधिकारी हैं जिनके आगरा में जिनको जिम्मा दिया गया और कई खुलासे करने के बाद उनकी पीठ थपथपाई गई, तब उनको ये नई जिम्मेदारी मिली। आज वो कह रहे हैं कि 2 फीट का पाइप जिस पर नलका लगा है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर उस पर कुछ हल्का सा भी भार दे दिया जाए तो वह नलका उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो 5 फीट 6 इंच का युवा लड़का कैसे बर्दाश्त कर गया, यह अपने आप में एक अहम सवाल खड़ा होता है, पॉइंट नंबर एक। अब पॉइंट नंबर टू, जो इस पूरी की पूरी थ्योरी के इर्द गिर्द कई सवाल खड़े करता है। अब मैं पॉइंट नंबर टू पर आऊं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि पुलिस की इस थ्योरी पर अब मोहर वो परिवार भी लगा रहा है जो कल तक आरोप लगा रहा था, क्योंकि कल तक मृतक के पिता चांद मियां साहब कह रहे थे कि मैं खुद अपने बेटे पर जब आरोप लगे तो उसे थाने देकर आया था ताकि पुलिस तफ्तीश कर ले, क्योंकि उसके ऊपर आरोप था एक लड़की को भगाने का। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 10 नवंबर का बयान था और आज थ्योरी यह आई कि मैंने दबाव में यह बयान दिया था, यानी पुलिस ने पूरी तरह से जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसके मुताबिक अब इस पूरी स्क्रिप्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले यह दो बयान सुनिए, पिता का जो कल बयान दिया था और साहब एसपी साहब का, एसपी साहब जो कह रहे थे कि नलके की ट्यूटी से लटक कर 2 फुट की अल्ताफ ने आत्महत्या कर ली, और उस डोरी से जो जैकेट की डोरी थी। है ना गजब की थ्योरी जिस पर आपको भी यकीन नहीं हो रहा। ये दो बयान सुनिए, क्योंकि 2 तस्वीरों का मैंने जिक्र किया था, अब ये 2 बयान सुनिए। मैंने 8 बजे अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है, मैंने खुद अपने घर में से। कब? कल 8 बजे। किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले लड़की के जो कह रहे थे कि
ये शक है हमें, पुलिस अपने अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद दिया, खुद अपने हाथों से। और बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग, मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है, मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या होता है, 24 घंटे बीच जाने के बाद, 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने बात, अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाएंगे। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। कौन किस जगह लगाई है फांसी? किस जगह? नदरी के चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, और ये बड़े थाने में आया है बच्चा, बड़े थाने में ये घटना हुई है। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सनम चाहत मिया है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिस कर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएससी अशोक नगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। आपने ये बयान सुने। अब मैं आता हूं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर। यह महत्वपूर्ण बिंदु जो एक बहस का विषय बन सकती है, जो बनती नहीं है। कई ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक किए कि तमाम जितने भी पुलिस थाने हैं उसमें सीसीटीवी होने चाहिए, तमाम राज्य सरकारें इसके लिए बजट आवंटित ना करें बल्कि इस पर इंप्लीमेंट करें, और यह मसला सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उठाया, कई बार राज्य सरकारों को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश में भी यह मसला सामने आया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा था कि आप लोग सीसीटीवी जो लगा रहे हैं उसमें ऑडियो वीडियो होना चाहिए, यानी कि ऑडियो की व्यवस्था भी होनी चाहिए, सिर्फ फुटेज नहीं। और अगर इस थाने के भीतर जहां पर इस शख्स की मौत होती है, इस युवा की मौत होती है, वहां अगर सीसीटीवी होता, अगर है तो उसे खंगाला जाना चाहिए, और तमाम थानों में होता तो तमाम थानों में ऐसे मामले ना आते, पुलिस कस्टडी में इस तरह से मौत ना होती, जो हर बार की तरह एक स्क्रिप्ट लिख दी जाती है कि मौत इस वजह से हुई, हम अस्पताल लेकर गए और उपचार के दौरान उस शख्स ने दम तोड़ दिया। हर बार यही स्क्रिप्ट होती है, बस जगह बदल जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की उस फटकार पर अब तक कोई भी फैसला ना होना क्या सवाल नहीं खड़ा करता? क्या वाकई पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में गुंडे की भूमिका में आ चुके हैं? पुलिस वाले गुंडे जो वर्दी में कभी ना कभी किसी ना किसी को, आज गर्दन आपकी भी गिरफ्त में आ सकती है, बस ये सोचिए कि गिरफ्त में है और दबाया भी जा रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मसला सिर्फ अल्ताफ तक सीमित नहीं है। मैंने मनीष गुप्ता का भी जिक्र किया, वाल्मीकि का भी जिक्र किया, और ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। और सवाल राजनीतिक दलों पर इसलिए भी क्योंकि 5'6" का लड़का जिसकी मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में, और राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस शख्स का नाम अल्ताफ था, इसलिए। अल्ताफ, अगर मनीष गुप्ता का जिक्र मैंने किया, याद होगा आपको किस्सा, उनकी पत्नी ने कैसे गुहार लगाई, पूरा सिस्टम हिल गया, राजनीतिक दलों को दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज अल्ताफ राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं है, जरा सोच कर देखिएगा। और क्या वाकई में आपको इस थ्योरी पर यकीन होता है? ये दो पहलू जो कहीं ना कहीं इस थ्योरी पर सवाल खड़े करते हैं। और वो शख्स जो खुद अमेरिका की सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आता है अमेरिका से, और वो ये थ्योरी देता है,
यकीनन अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन दो तस्वीरों के साथ एक बार फिर से छोड़ के जा रहा हूं जो अपने आप में एक सवाल है। एक तरफ वो टूटी जिस पर उस शख्स ने 5'6" के लड़के ने आत्महत्या कर ली, और दूसरी वो लड़का। अगली बार फिर एक और नए वीडियो के साथ आएंगे हम आपके पास। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर ऐसी ही खबरें आपको मिलेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।